स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसके ऊपर वर्क किया और उसके बाद दी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। क्लियर स्टूडेंट? क्या आई उसके बाद में? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। क्लियर स्टूडेंट? बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के ऊपर, उसके बेस पर फिर आगे दी उन्होंने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो क्या है मेन पोस्टुलेट? द मेन पोस्टुलेट ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आर। देख लीजिएगा क्या क्या है मेन पोस्टुलेट। फर्स्ट पोस्टुलेट है आपका, एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजिबल। ठीक है स्टूडेंट्स, एटम जो है उसको हम कंसीडर लंबे टाइम तक ये कंसीडर नहीं कर सकते हैं कि वो इनडिविजिबल है। क्यों? क्योंकि एटम जो है वो आपने बाद में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की और ऐड पाया कि एटम मेडअप होता है किसका बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ठीक है, तो हम लंबे टाइम तक ये नहीं कह सकते हैं कि एटम आपका क्या है बेटा? इनडिविजिबल। एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, कौन से तीन पार्ट होते हैं मेनली एटम के? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब सेकंड पोस्टुलेट की तरफ बढ़ते हैं हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के। क्या कहती है सेकंड पोस्टुलेट ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। डाल्टन थ्योरी कहती थी कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब उनका साइज, मास जो है वो सब चीज़ें क्या होती हैं? सेम होती हैं। लेकिन आपकी मॉडर्न थ्योरी कहती है कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट जो होते हैं मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे आपने हाइड्रोजन के बारे में सुना है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 AMU भी होता है, आपको पता है 2 AMU भी होता है और 3 AMU भी होता है। क्लियर स्टूडेंट? ऐसे अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक मास कितना? 35 AMU भी होता है, 37 AMU भी होता है। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। अब हाइड्रोजन ही ले रहे हैं आप, एक सेम ही एलिमेंट तो है हाइड्रोजन, ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास कितने हैं आपके? 3। एक ही एलिमेंट तो है, कौन सा? क्लोरीन। ठीक है कि नहीं? एक ही एलिमेंट के तो एटम है, किस कौन से एलिमेंट के? क्लोरीन के। ठीक है, और मास कितने हैं उसके? 2-2, दैट इज 35 और 37। ये किस बिहा पर, ये किस चीज को इंडिकेट करता है? ये आपका बेटा इंडिकेट करता है आइसोटोप को। क्या होते हैं आइसोटोप आपके? एटम्स ऑफ द, आप सबने पढ़ा हुआ आइसोटोप के बारे में, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप। क्लियर हो गया स्टूडेंट? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास और उनको क्या नाम देते हैं हम? आइसोटोप। तो आइसोटोप के केस में हम ये नहीं कह सकते हैं कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट। ठीक है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जो होते हैं उनका क्या डिफरेंट हो सकता है? एटॉमिक मास। क्लियर हो गया एग्जांपल? तो हाइड्रोजन की आपको पता है 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, जिसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना? 1, 2 और 3 होता है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक का एटॉमिक मास आपका 35 होता है, दूसरे का कितना होता है बेटा? 37। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पोस्टुलेट आ गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का। अब हम थर्ड पोस्टुलेट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे हैव सेम एटॉमिक मास। एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट मे हैव सेम एटॉमिक मास। ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती थी कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। जैसे मैंने पीछे आपको एक एग्जांपल देके समझाया था, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये दोनों एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के। ये एलिमेंट आपका ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, तो इन दोनों की हर चीज़ एक दूसरे से अलग होगी। इनका मास अलग होगा, ठीक है, कि इनका साइज अलग होगा, इनकी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी? अलग अलग।
लेकिन आपकी जो मॉडर्न थ्योरी कहती है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे हैव, डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन उनका क्या सेम हो सकता है, एटॉमिक मास। इसके लिए उन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे एटम ऑफ किसके, आपके एटम ऑफ कैल्शियम एंड आर्गन हैव सेम एटॉमिक मास। फिर बेटा जैसे कैल्शियम का भी एटॉमिक मास 40 होता है और आर्गन का भी कितना होता है, 40, तो ये दोनों डिफरेंट है। कैल्शियम की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है, आर्गन की बिल्कुल अलग है, लेकिन इन दोनों का क्या सेम है बेटा, एटॉमिक मास। क्लियर? तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास, उनको बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलते हैं बेटा? आइसोबार। तो हम क्या बोलते हैं आगे, एटम्स ऑफ, ये देखिएगा, ये पढ़ लीजिएगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास, ठीक है, हैव द, सॉरी, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोबार्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसने आइसोबार को इंट्रोड्यूस किया, इसने किसके बारे में बताया, आइसोटोप के बारे में, ठीक है कि नहीं, कि आइसोटोप जो है उनका एटॉमिक मास सेम हो सकता है और आइसोबार जो है, ठीक है कि नहीं, वो डिफरेंट एटम है किसके, डिफरेंट एलिमेंट के, कैल्शियम एक अलग एलिमेंट, आर्गन एक अलग एलिमेंट, लेकिन दोनों का क्या सेम एटॉमिक मास, दैट इज 40। क्लियर हो गया बेटा? तो ये आपका थर्ड पोस्टुलेट हो गया किसका, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का। ठीक है, अब जरा फोर्थ पोस्टुलेट देख लीजिएगा आपका मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का क्या है, द रेशो इन विच डिफरेंट एटम कंबाइन कंबाइन विद वन अनदर मे बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल बट मे नॉट ऑलवेज बी सिंपल, मे नॉट ऑलवेज बी सिंपल। क्या कहता है ये पोस्टुलेट बेटा, कि रेशो इन विच डिफरेंट एटम कंबाइन करके आपका जैसे कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है ना, तो जिस रेशो में वो कंबाइन करते हैं वो रेशो आपका क्या होता है, एक तो फिक्स होता है, इंटीग्रल होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो रेशो क्या हो आपका, सिंपल हो। ठीक है, रेशो आपका क्या होता है, फिक्स्ड होता है, इंटीग्रल होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो रेशो सिंपल हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे, जैसे केन शुगर एक कंपाउंड है, हम कौन सा कंपाउंड पढ़ रहे हैं बेटा, केन शुगर, जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन होके जो है उन्होंने केन शुगर का फॉर्मेशन किया है। कैसे, जैसे कार्बन के एटम्स हैं आपके, हाइड्रोजन के एटम हैं, ठीक है कि नहीं, और किसके हैं, ऑक्सीजन के, तो इन्होंने एक कंपाउंड बनाया है, कौन सा, केन शुगर, दैट इज C12H22O11। ठीक है, तो ये रेशो आपका फिक्स है, देख रहे हैं आप, एक फिक्स रेशो है, इंटीग्रल है, लेकिन क्या ये रेशो एक सिंपल रेशो है, नो बेटा, ये इट इज़ नॉट ए सिंपल रेशो। ठीक है, तो ये आपका मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहती है कि जो इनका रेशो है वो फिक्स्ड होगा, इंटीग्रल होगा, सिंपल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है जिसमें रेशो आपका सिंपल नहीं है। सिंपल रेशो में तो आपके बहुत सारे कंपाउंड आपने पढ़े हैं, जैसे CO2 हो गया, ठीक है कि नहीं, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन पढ़े हैं ना आपने बेटा, पीछे बताया था मैंने, कार्बन कितना हो गया आपका 12, ऑक्सीजन कितना हो गया 32, ठीक है ना, तो ये कितना हो गया आपका 4 3 12 और 4 8 32, 3:8। ठीक है, ये फिक्स्ड है, इंटीग्रल है, और आपका कैसा रेशो है, सिंपल रेशो है, लेकिन अगर आप 12:22:11 को बोलें, ठीक है कि नहीं, तो ये फिक्स्ड है, इंटीग्रल है, लेकिन सिंपल रेशो नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये आपका मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो था, इसका पोस्टुलेट था फोर्थ। नेक्स्ट पोस्टुलेट देख लीजिएगा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का, फिफ्थ पोस्टुलेट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये पोस्टुलेट बेटा आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में सेम है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। देखो बेटा, एटम से छोटी चीज कोई ऐसा पार्टिकल नहीं होता जो किसी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करे। आपको वैसे मैंने पढ़ाया कि अभी इसी में फर्स्ट पोस्टुलेट दिया कि एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
क्लियर स्टूडेंट। लेकिन अगर कोई एक आप केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे छोटा जो पार्टिकल टेक पार्ट करता है वो एटम ही होता है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये पोस्टुलेट आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का क्या है, सेम है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिक्स पॉइंट में आपका इसके बारे में बताने जा रही हूँ, एटम इज नो लॉन्गर इंडेस्ट्रक्टिबल। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है एटम कैन नीदर, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये कहता है ना आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और यही आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी कहती है। ठीक है, लेकिन आपकी मॉडर्न थ्योरी कहती है कि एटम इज नो लॉन्गर इनडेस्ट्रक्टिबल। ठीक है, अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन लेके चलते हैं बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शन जो सिंपल रिएक्शन होती हैं, जैसे आपने सिंपल कोई भी रिएक्शन जैसे सी प्लस ओ टू गिव सी ओ टू, तो वहाँ पर तो आपके सिंपल रूल फॉलो होते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कहाँ की, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन की, तो जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन है तो ये नाइट्रोजन है आपका 7 और ये कितना हो गया आपका 14। क्लियर है ना स्टूडेंट? तो आपने अगर इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाते हैं, किसकी, अल्फा पार्टिकल की, क्या होता है आपका अल्फा पार्टिकल 2He4, तो आप अल्फा पार्टिकल की नाइट्रोजन एटम के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो आपका नाइट्रोजन एटम दूसरे एलिमेंट में चेंज हो रहा है। देखिएगा किस में, ऑक्सीजन में, एटॉमिक नंबर हो गया आपका 8 और एटॉमिक मास कितना हो गया 16 प्लस आपका बनाता है 1H2। क्लियर स्टूडेंट? ये 7 प्लस आपका कितना हो गया 2, कितना हो गया 9, तो ये आपका 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, ये 14 और 4 कितने हो गए आपके 18 और 16 प्लस 2 18। क्लियर हो गया? तो हम इनडेस्ट्रक्टिबल नहीं कह सकते। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक एटम से हम दूसरा बना सकते हैं, लेकिन कौन सी रिएक्शन की बात करें, न्यूक्लियर रिएक्शन में। लेकिन ऑर्डिनरी रिएक्शन में आपका वही चलता है कि एटम मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये मैंने आपको बता दी कौन सी थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। क्लियर स्टूडेंट? थैंक यू स्टूडेंट्स।